दोस्तों 22 जनवरी के दिन होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या को इस तरीके से सजाया जा रहा है कि अयोध्या आते ही आपको त्रेता युग वाली खूबसूरत और भव्य अयोध्या नगरी याद आ जाएगी। हर तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है। मंदिर में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं, प्रभु श्री राम की मूर्ति भी चुन ली गई है और 24 घंटे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब भी भक्तों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर कब होंगे चुने हुए राम लल्ला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु श्री राम कैसे वस्त्र धारण करेंगे और क्यों कहा जा रहा है अयोध्या राम मंदिर को भारत का सबसे भव्य मंदिर। इसलिए आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे और घर बैठे आपको अयोध्या नगरी की झलक दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए ताकि दुनिया भी प्रभु श्री राम के प्रति हमारी आस्था की एक झलक देख सके। चार पीढ़ियों से एक ही परिवार को मिला रामलल्ला के वस्त्र बनाने का सौभाग्य। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किए जा रहे हैं खास प्रकार के वस्त्र। दोस्तों 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी के दिन रामलल्ला अपनी जन्मभूमि पर विराजने वाले हैं, इसलिए उनसे जुड़ी हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच सवाल आता है कि इस त्योहार पर रामलल्ला को कैसे वस्त्र पहनाए जाएंगे, जिसका जवाब अयोध्या के वशिष्ठ कुंड के एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाने वाले 58 वर्षीय शंकर लाल और उनके बड़े भाई भागवत प्रसाद ने दिया है, जिनका परिवार 3 पीढ़ियों से प्रभु श्री राम के वस्त्र तैयार करते आ रहा है। उन्होंने बताया है कि हमें सालाना 7 जोड़ी वस्त्र का ऑर्डर सरकार से मिलता है, जिसके लिए प्रति सेट 1100 रुपए के हिसाब से 7700 रुपए का मेहनताना मिलता है। लेकिन अब नए अयोध्या राम मंदिर के क्षेत्र में हर त्योहार हर नए वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह पंडितों की तनख्वाह तय की गई है उसी तरह हमारी भी तनख्वाह तय की जाए और मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान दी जाए जो हम पूरी जिंदगी निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलल्ला को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को लेकर शंकर लाल ने कहा है कि वैसे तो सोमवार के दिन प्रभु श्री राम को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन विशेष आयोजन के दिन पीला वस्त्र पहनना शुभ होता है, इसलिए हम ऐसे वस्त्र तैयार कर रहे हैं जिनमें पीला और सफेद रंग दोनों। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्हें रामलल्ला के लिए ठंड के मौसम के हिसाब से मखमल के कपड़े के 7 वस्त्र तैयार करने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि रामलल्ला रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। अब वस्त्र बनाने थे तो मूर्ति की नाप तो जरूरी ही थी, इसलिए उन्हें चुनी गई मूर्ति का दर्शन भी कराया गया, जिसे लेकर शंकर लाल ने कहा कि जब मैंने पहली बार मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा कि अभी वो बोल पड़ेगी, मैंने अपने जीवन में इतनी जीवंत और अद्भुत प्रतिमा कभी नहीं देखी। चुन ली गई है रामलल्ला की भव्य मूर्ति, जल्द ही ट्रस्ट के सचिव दिखाएंगे रामलल्ला की पहली झलक। दोस्तों प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार है। आपको बता दें कि तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने गढ़ा है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। अब खबर आ रही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने इन तीनों में से मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति का चयन कर लिया है और शायद कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई प्रतिमा को चुना गया है। हालांकि ट्रस्ट ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में योगीराज की सराहना करते हुए लिखा है कि यह मैसूर का गौरव है, कर्नाटक का गौरव है कि अद्वितीय मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलल्ला की मूर्ति 22 जनवरी को अयोध्या में स्थापित की जाएगी। वहीं अरुण योगीराज ने पहले केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य और इंडिया गेट के पास स्थापित की गई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई थी। हालांकि गर्भगृह में स्थापित हुई रामलल्ला की मूर्ति में उनके साथ सीता मैया नहीं होंगी, क्योंकि यह प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति है जिसमें वो 5 वर्ष की उम्र में धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देंगे। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलल्ला विराजमान होंगे उसके साथ उनकी ऊंचाई 8 फीट होगी। रामलल्ला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और जिस जिसने इस मूर्ति का दर्शन किया है वो सभी मंत्रमुग्ध हो गए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के चेहरे पर इतना तेज है कि देखकर किसी भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए हम तो रामलल्ला के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जी की हुई पूरी तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया शुष्क दिवस का ऐलान।
जी दोस्तों, अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के विराजमान होने की खुशी में उनके ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि चंदखुरी गांव को उनका घर माना जाता था और रामलला के अभिषेक के दिन यहां बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस यानी कि ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी कि इस दिन छत्तीसगढ़ में शराब और नॉनवेज नहीं बिकेगा। इसके अलावा हाल ही में छत्तीसगढ़ में रामलला के भोग के लिए 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजे गए हैं और समारोह से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के किसान संघ की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। चंदखुरी गांव की भव्यता की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव को रामलला की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। यहां तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक महा कौशल के राजा भानुमत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। इस विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे जिसमें उनका जन्म स्थान चंदपुरी भी शामिल था। जी हाँ, चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंदपुरी था, यानी कि ये रामलला का ननिहाल हुआ और इसलिए 22 जनवरी के दिन यहाँ भी भव्य उत्सव मनाया जाएगा। भव्य राम मंदिर में लगाई गई एडवांस टेक्नोलॉजी, 1000 सालों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं होगा। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पूरे मंदिर में एक भी सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके चलते टेस्टिंग और कंप्यूटर में मॉडलिंग के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए। कई स्थानों पर दो बड़े कॉलम के साथ दो छोटे कॉलम लगाए गए। इस तरह फाइनल डिजाइन से पहले 50 मॉडल तैयार किए गए जिसमें 6 महीने का समय लगा था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब राम मंदिर को इतना मजबूत बनाया गया है कि बाढ़ आए या भूकंप, अगले 1000 सालों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं होगा। पूरे भवन में भार को संतुलित रखने के लिए जगह जगह पर भारी भरकम हाथी और घोड़े स्थापित किए गए हैं। मंदिर की कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति का समावेश किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे भवन में रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं जो हर पल भवन की सेहत और उसमें बदलाव की जानकारी देते रहेंगे। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मंदिर के नीचे मौजूद मिट्टी के भी कई सैंपल जांचे गए थे, फिर 1.5 मीटर मोटा स्ट्रक्चर बनाया गया था। 70 एकड़ में बना राम जन्मभूमि है भारत के इतिहास का सबसे भव्य मंदिर। स्वर्ण जड़ित प्रवेश द्वार से लेकर आलिशान मंडप तक ये है खासियतें। दोस्तों, अब हम आपको राम मंदिर की कुछ ऐसी खासियतें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जुबान से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ, राम मंदिर की नींव के लिए देश भर में करीब 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित की गई थी जिसमें हल्दी घाटी, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थान शामिल है। वहीं जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तभी राधे श्याम पांडे अपने भाई के साथ अयोध्या पहुंचे थे और एक बेशकीमती तोहफा लाए थे। दरअसल ये दोनों भाई 1968 से राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल के लिए पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर रहे थे और वो 151 नदियों के जल और श्रीलंका की 16 पवित्र जगहों की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे थे जिसमें 8 बड़ी नदियां और 3 समुद्रों का जल भी शामिल था और इसका उपयोग मंदिर की नींव में किया गया था। मैबेश कीमती पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर में 44 द्वार बनाए गए हैं जिसमें 18 द्वार दरवाजे से युक्त होंगे और उनमें से 14 द्वार स्वर्ण जड़ित होंगे। मंदिर तैयार करने वाले इंजीनियर्स के मुताबिक भूतल पर लगने वाले दरवाजे लकड़ी के बने होंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। बारीकी से नक्काशी करते हुए इन भव्य दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने के लिए भेज दिया गया है। हालांकि भक्तजनों को मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही एक दिन में लाखों भक्तजनों को मैनेज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें भक्त लाइन में लगकर बिना धक्का मुक्की के तेजी से गर्भगृह तक पहुंच पाएंगे और फिर दर्शन करके दूसरे द्वार से बाहर आ जाएंगे। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद यानी 2024 के अंत तक भक्तजन मंदिर के मंडप में बैठकर प्रभु की भक्ति भी कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल निर्माण प्रक्रिया चलने की वजह से भक्तों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राम जन्मभूमि मंदिर में कुल 13 मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसमें मुख्य गर्भगृह के साथ 5 अन्य मंदिर मुख्य परिसर में होंगे जबकि बाहर 7 अन्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसमें ऋषि वाल्मीकि, विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषादराज और अहिल्या के मंदिर शामिल हैं जिसका निर्माण 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा। वहीं 70 एकड़ के इस इलाके में सिर्फ 30% भाग पर
प्राचीन मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाकी दूसरे जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और यहाँ पहले से मौजूद 600 से अधिक पेड़ों को भी काटने से बचाया गया है। तो दोस्तों, हमारा तो मानना है कि 22 जनवरी को इस भव्य त्यौहार को भारत में नेशनल हॉलीडे घोषित कर देना चाहिए, ताकि हम सभी अपने घर और अपने इलाके के मंदिरों में पूरे दिन रामलला की भक्ति कर सकें। खैर, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।